झारखंड में हिंदू और आदिवासी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। जिहादी सरेआम कर रहे हैं हिंदू और आदिवासी बच्चियों को टारगेट। कभी पेट्रोल से जिंदा जला दे रहे हैं तो कभी रेप कर हत्या कर दे रहे हैं। अब तो स्कूलों में घुसकर बच्चियों को धमकी दे रहे हैं कि हमसे दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। जरा सोचिए कि उन अभिभावकों के मन में क्या गुजर रहा होगा जिनकी बच्चियां उन स्कूल में पढ़ती हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में इन दिनों नाबालिग बच्चियों को जिहादी जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, ये आने वाले दिनों में झारखंड के लिए नासूर बन सकता है। पहले दुमका की हिंदू नाबालिग बच्ची अंकिता सिंह को मुस्लिम युवक शाहरुख हुसैन और नईम ने पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाकर मार डाला। उसके बाद एक मुस्लिम राजमिस्त्री अरमान अंसारी नाबालिग आदिवासी बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाता रहा और गर्भवती हो जाने के बाद अंत में उसकी हत्या कर उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया। बात यहीं नहीं रुकी। इन जिहादियों का मन इतना बढ़ गया है कि अब तो वे खुलेआम हाथ में हथियार लेकर ओरमांझी के प्रोजेक्ट प्लस टू उच्च विद्यालय में घुसकर ये धमकी दे रहे हैं कि हमसे दोस्ती करो नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। जिहादियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहे कार्यक्रम के दौरान लड़कियों से छेड़खानी की और मना करने पर शिक्षकों को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं रामगढ़ के पतरातू की एक घटना भी शर्मसार करती है। वहां पर एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को इस कदर प्रेम जाल में फंसाया कि हिंदू लड़की ने साजिश रच अपने मुसलमान आशिक के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। शव को अपने पिता के सरकारी आवास में दफन कर दिया। झारखंड में इन दिनों जिस तरह से हिंदू और आदिवासी बच्चियों को जिहादी टारगेट कर रहे हैं, ये काफी चिंतनीय है। इन्हें खुलेआम आतंकियों का साथ मिल रहा है। आतंकी ही इन्हें लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने का पाठ पढ़ा रहे हैं। कश्मीर में भी ठीक इसी प्रकार से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया था। पहले उनकी शिक्षा और संस्कृति पर हमला किया गया, उसके साथ साथ हिंदू बच्चियों और औरतों को। एक समय ऐसा आया जब लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा। अगर समय रहते प्रशासन नहीं चेता तो झारखंड का भी हाल कश्मीर जैसा हो जाएगा, जहां लाखों कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उनका नरसंहार कर दिया गया था। समझा जा सकता है कि जब झारखंड का एक सेवानिवृत्त दारोगा आतंकी संगठन का हिस्सा हो और देश को दहशत की आग में झोंकने का प्लान बना रहा हो तो यहाँ की जनता कितनी सुरक्षित होगी। यहाँ के प्रशासन का काम करने का तरीका क्या होगा जब उनके ही बीच आतंक की स्क्रिप्ट तैयार हो रही होती है और उन्हें फलक तक नहीं लगती। दुमका में नाबालिग अंकिता और नाबालिग आदिवासी बच्ची की हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया है। आज इन जिहादियों का मन इतना बढ़ गया है कि वो घर में घुसकर रेप कर रहे हैं या अंकिता जैसी मासूम को पेट्रोल से जिंदा जला दे रहे हैं। अब तो ये स्कूल की बाउंड्री लांघ नशा कर हथियार के बल पर छात्राओं को दोस्ती करने पर मजबूर कर रहे हैं, नहीं तो उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। जरा सोचिए उन अभिभावकों के मन में क्या गुजर रहा होगा जिनकी बच्चियां इन स्कूलों में पढ़ती हैं। क्या वो अपनी बच्चियों को स्कूल जाने देंगे? उनकी जिंदगी तो दहशत में गुजर रही होगी। इन हत्याओं, हिंदू और आदिवासी लड़कियों को टारगेट करने के पैटर्न से प्रशासन अभी भी सबक नहीं लेता है तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड की कई मासूम बच्चियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वे घर से निकलना छोड़ देंगी, स्कूल नहीं जाएंगी। झारखंड में बदलती हुई डेमोग्राफी भी ऐसे क्राइम को जन्म दे रही है। ये बदलती हुई डेमोग्राफी का ही नतीजा था जब गढ़वा जिले के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रार्थना के दौरान बच्चे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ बांधकर प्रार्थना करते पाए गए थे। वहीं झारखंड के कई स्कूलों में स्वतः शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया गया था। यहां तक कि इन स्कूलों के सामने उर्दू शब्द भी जोड़ दिया गया था। ये तो बदलती हुई डेमोग्राफी की शुरुआती दौर है। देश ने पहले भी इसके भयानक अंजाम देखे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ इससे पूरा देश परिचित है और मोपला नरसंहार तो उससे भी भयानक था जिसे दबा दिया गया। दुमका में शाहरुख हुसैन जब अंकिता के घर जाकर उसे पेट्रोल से जला सकता है, पकड़ाने पर पुलिस के समक्ष हंसता है, तो समझा जा सकता है कि इन जिहादियों का मन कितना बढ़ा हुआ है।
इनके अंदर प्रशासन का लेश मात्र भी खौफ नहीं रह गया है। गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस के साथ अपना सिर ऊंचा किए और चेहरे पर मुस्कान लिए ऐसे चल रहा था मानो उसने बहुत बड़ा मकसद हासिल कर लिया हो। इतनी जघन्य हत्या के बाद भी अगर शाहरुख हुसैन हंस रहा था तो उसे पूरी तरह विश्वास था कि जब तक झारखंड पुलिस में नूर मुस्तफा जैसे अधिकारी हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कल को अगर शाहरुख हुसैन छूट भी गया तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने तो अंकिता की उम्र बढ़ाकर उसे बचाने की पहली सीढ़ी तैयार ही कर ली है। दुमका के अंकिता हत्याकांड के बाद ऐसे कई मामले उजागर हो रहे हैं। मसलन दुमका की सानी डंगाल मोहल्ला की रहने वाली एक युवती के मुताबिक उससे एक लड़के ने अपना धर्म छिपाकर दोस्ती की, प्यार का वास्ता दिया और फिर शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया। उसके सामने फिर कोई चारा नहीं बचा। इसी तरह दुमका गांधी मैदान के पास रहने वाली एक युवती के पिता ने कहा कि 8 साल पहले उनकी बेटी परिवार को छोड़कर एक युवक के साथ चली गई। बाद में पता चला कि उसने धर्म छिपाकर उसे झांसा दिया था। घर परिवार के लोग लोक लिहाज की वजह से चुप रह गए। हाल ही में लोहरदगा जिले में एक मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छुपाकर पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, इसके बाद शादी का झांसा देकर लड़की का यौन शोषण किया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए थे। वहीं आरोपी युवक की जब पोल खुली तो उसने लड़की को कुएं में ढकेल कर उसकी हत्या करनी चाही। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को सारी बात बता दी। इसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की है। पहले उस मुस्लिम युवक ने अपना नाम साजन उराव बताया था, बाद में वो रब्बानी अंसारी निकला। दुमका और लोहरदगा के बाद रांची में भी एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 15 वर्षीय एक आदिवासी बच्ची के साथ उसके घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता आदिवासी समाज की है, जबकि रेप का आरोपी मुस्लिम समुदाय का है। आरोपी का नाम मोहम्मद सहरुद्दीन था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल में सहरुद्दीन की तबीयत खराब हो गई, उसे रिम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रिम्स में उसकी मौत हो गई। नाबालिग से रेप की यह घटना 28 अगस्त की है। वहीं गढ़वा में लव जिहाद का एक मामला सुर्खियों में है, जहां एक मुस्लिम युवक आफ्ताब ने पुष्पेंद्र सिंह बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फांस कर शादी कर ली। मामला जिले के मेराल थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया कि उसका घर यूपी के सोनभद्र जिला अंतर्गत चौपन थाना क्षेत्र के गुरमा गांव में है। आरोपी युवक आफ्ताब अंसारी ने कुछ साल पहले उसके गांव में दवा की दुकान खोली थी। उस दौरान दोनों में प्रेम हुआ। उस समय युवक ने अपना नाम पुष्पेंद्र सिंह बताया था। दोनों 6 महीने के अंदर काफी नजदीक आ गए और युवक ने उससे 2018 में शादी कर ली। शादी के बाद युवक उसे मिर्जापुर के लालगंज में किराए के मकान में ले गया। वहां दोनों साथ रहने लगे। शादी के 2 साल के बाद 2020 में युवती गर्भवती हो गई। उसके बाद आरोपी उसे छोड़कर भागने लगा, जिसकी शिकायत युवती ने स्थानीय चौपन थाना में की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आफ्ताब उसे साथ रखने लगा। उसके बाद 28 जुलाई 2021 को उनकी बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म होने के बाद आरोपी ने अपने घर में किसी की मौत होने की बात कहकर दोनों को अपने गांव ले आया। उसी दौरान मृतक के अंतिम संस्कार की रस्म देखकर युवती को शक हुआ। शक होने पर युवती ने आफ्ताब से पूछताछ की। उस समय आफ्ताब ने खुद के मुस्लिम होने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोनों वहां से मिर्जापुर वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद धर्म को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। उसके बाद पिछले मुहर्रम में वो अपने घर आया, तब युवती को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। युवक ने धर्म छिपाकर उससे शादी की है। उसके बाद गांव में भी मामले में पंचायती हुई। पंचायत ने युवक को उसे साथ रखने का फैसला सुनाया। उसके बाद आफ्ताब उसे मिर्जापुर लेकर आ गया। वहां लौटने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। उस दौरान महिला के साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना के बाद आफ्ताब मिर्जापुर से भाग गया। एक हफ्ते तक घर नहीं लौटने पर वो महिला शुक्रवार को आफ्ताब के घर आ गई, रात भर वहीं रही। शनिवार को आरोपी की मां ने उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया। उसके बाद उसने मेराल थाना पहुंच घटना की जानकारी दी। वहां उसका केस दर्ज नहीं हुआ। इस मामले में मेराल थाना के प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद ने कहा कि पीड़िता थाना आई थी, उसने घटना की जानकारी दी। घटनास्थल यूपी का है। पीड़िता को संबंधित थाना में केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। वहां केस दर्ज होने के बाद जब पुलिस कार्रवाई के लिए यहां आएगी तो उसे सहयोग किया जाएगा। झारखंड में ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये सोची समझी साजिश का नतीजा है। दुमका के डंगालपाड़ा, सानी डंगाल, जरुआडी और बंदर जोड़ी के अलावा साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा में भी ऐसे कई उदाहरण हैं।
बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों का आरोप है कि ऐसे मामले लव जिहाद की सोची समझी साजिश का परिणाम है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि अंकिता की नृशंस हत्या करने वाले शाहरुख और उसका दोस्त मोहम्मद नईम बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला से प्रेरित थे। नईम का मोबाइल रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक अंसार उल बांग्ला भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का एक फ्रंट ग्रुप है, जिसका मकसद गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना और उनका धर्म परिवर्तन कराना है। यहां बता दें कि झारखंड के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदलने का आरोप बार बार भाजपा लगा रही है। ये जिले बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं। पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश से लाखों की तादाद में घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा जिलों में अलग अलग इलाकों में आकर फंस गए हैं। संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ में चिन्हित अवैध प्रवासियों ने वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाए हैं। इन इलाकों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अंसार उल बांग्ला जैसे प्रतिबंधित संगठनों की पकड़ पड़ रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों ने स्थानीय महिलाओं से शादी कर ली और यहीं फंस गए। बदलती हुई डेमोग्राफी के चलते झारखंड में लव जिहाद का मामला भी बढ़ रहा है। पहले वे यहाँ की महिलाओं को फांसते हैं, फिर शादी करते हैं और उसके बाद उनकी संपत्ति को हासिल कर लेते हैं। झारखंड प्रशासन अगर अभी भी नहीं चेता तो झारखंड की बच्चियों का सड़क पर चलना दूभर हो जाएगा, स्कूलों में जाना दूभर हो जाएगा। वो स्कूल नहीं जा पाएंगी क्योंकि स्कूल में भी ये जिहादी घुस रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं कि हमसे दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही।